तो दादाजी बताएंगे आपको 22 तारीख की शाम कैसा हुआ गांव में, किस प्रकार हुआ। 22 तारीख को शाम वक्त 12 बजे बर्फ तो लगी। तो दादाजी से भी थोड़ा बात करके देखते हैं, तो दादाजी भी बताएंगे कि क्या हुआ था उसे। हमारा ना अभी मौजूद हूँ मैं उस जगह पर जहाँ 22 तारीख की रात को 12:30 बजे के आसपास बादल फटा था। ये दुर्घटना है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित थैलीसैंड ब्लॉक में रौली गांव की। तो रौली गांव में 22 तारीख की रात को 12:30 बजे के आसपास आसमानी आफत बादल फटने से भयंकर तबाही मची हुई है और पूरे गांव में भय और डर का माहौल बना हुआ है। बादल रौली गांव में दो जगह पे फटा है, एक गांव के इस साइड जहां पे अभी मैं मौजूद हूं और एक गांव के दूसरे हिस्से में फटा है। तो आज के ब्लॉग में मैं यही सब आपको दिखाने जा रही हूं कि हमारे रौली गांव में इतनी भयंकर तबाही मची हुई है, लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। गांव में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और लोग की घर गौशालाएँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही हैं इस आसमानी आफत से। तो शासन के द्वारा गांव के लोगों को क्या सहयोग करने की बात की गई है, यही सब आपके ब्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गाँव रौली गाँव से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं अभी और मौसम देख सकते हैं आज का मौसम हो रखा है हल्की फुल्की धूप भी खिली हुई है, बादल भी लगे हुए हैं, सुहावना सा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और मैं कल ही अपने ससुराल से अपने मायके आई हूँ तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा पता नहीं हमारे गांव में कितना नुकसान होगा। अपने गांव से काफ़ी सारी यादें जुड़ी होती हैं तो इस वजह से मैं भी भावुक हो गई थी जब मैंने इस दुर्घटना के बारे में सुना था और मेरे से रहा नहीं गया। इस वजह से मैं कल ही मायके से ससुराल आ गई और मैंने सोचा आपके साथ भी ये सब न्यूज़ शेयर की जाए। और चलते हैं आप देखते हैं कितना कितना नुकसान हुआ है। सुनने में तो ये भी आ रहा था लोग के द्वारा कि गांव के ऊपर साइड भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई है, जो हमारे गांव का ये वाला मोहल्ला है ये आप सामने देख सकते हैं, ये नीचे वाला मोहल्ला ये पूरा धस रहा है नीचे को, क्योंकि नीचे भी काफ़ी लैंडस्लाइड हो रही है गाँव के नीचे साइड भी, तो मिट्टी पूरी धस रही है। लोग के नए नए मकान बने हैं, लाखों के मकान बना रखे हैं लोगों ने और लोग बिल्कुल परेशान हो रखे हैं कहीं कुछ ना हो जाए, थोड़ी सी भी बारिश आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं लोगों से भी बातचीत करते हैं गांव के और देखते हैं क्या क्या नुकसान हो रखा है हमारे गाँव में। तो इस वाले हिस्से से बादल फटा था और यहीं से लोगों का कहना भी ये था परसों जिन्होंने ये घटना देखी थी कि यहाँ नीचे से ना पानी फट रहा था, सामने जहाँ ये बांज का पेड़ है यहीं से नीचे से पानी भी उबल रहा था और कुछ इस वजह से भी ज़्यादा तबाही मची थी यहाँ पे। और नीचे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रखा है। सामने हमारे गाँव वालों का वहाँ पे गौशालाएँ भी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो रखी है, वो भी दिखाएंगे आपको। और नीचे गांव के लोग घास के लिए जा रहे हैं अभी, तो लोगों को इधर उधर जाने में भी काफ़ी सारी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि रास्ते सारे टूट चुके हैं, कहीं पे पुल नहीं रह गए। यहाँ पे एक पुल भी था वो भी टूट चुका है और सामने देख सकते हैं दादाजी और उनके घर भी हैं, तो यहाँ पर ना बिल्कुल खतरा ही बना हुआ है चारों तरफ से। और ये रास्ता देख सकते हैं, रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो रखा है बिल्कुल बादल फटने की वजह से। ये हमारे गांव के घसियारी का जाने का रास्ता था, ये भी ख़त्म हो रखा है बिल्कुल। और अब चलते हैं नीचे गांव के तरफ और सामने देख सकते हैं हमारे गांव के पंचायत भवन में गांव के नुकसान की वजह से मीटिंग बिठा रखी है आज, तो चलते हैं अब गाँव के पंचायत भवन में सीधा। तो यहाँ पर भी हमारे गाँव का डाट पुल था और वो भी बादल फटने की वजह से पूरा बह चुका है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है आजकल। और ये देख सकते हैं पूरे गांव का तरफ भी रास्ता पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है, ये देख सकते हैं खेत खलियान सब बह चुके हैं लोगों के, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने ही चाचा जी लोगों का घर है और घर के नीचे ही देख सकते हैं कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो रही है, पूरा मलबा गिर चुका है नीचे और नीचे अखरोट के पेड़ फल फ्रूट के सब पेड़ गिर चुके हैं, ये देख सकते हैं। और ये गौशालाएँ हैं, इन गौशालाओं को खाली करने का दिया गया है सुझाव क्योंकि यहाँ पे खतरा बना हुआ है, लोगों ने अपनी गौशालाएँ भी खाली कर दी हैं गांव में, ये देख सकते हैं।
अभी आ चुकी हूँ मैं चाचा लीग लोग के घर पे, और दादी से बात करते हैं कि उस दिन रात को क्या हुआ था, क्या समझा आपने? तो दादी जी बताएंगी थोड़ा कुछ। हम ऐसा चुपचाप गए, रोती एकदम आए जो बोल की एकदम आए अरे बरकत को नहीं समझ मन बरकत हमेशा और वो दिन तो अचानक भाई मतलब ये कुछ महसूस नहीं होता देखिए क्यों अरे मन पर रोला हमेशा नहीं जन रोला हम तो क्या पता आज ही ना लो आज मतलब फिर से पहले होनी कुछ नहीं समझ मन अच्छा एकदम एकदम एकदम। दादी जी कह रही है कि ये दुर्घटना अचानक से हुई हमारे गांव में और उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने सोचा कि नदी नाले अपने उफान पे हैं, तेज बारिश हो रही थी इस वजह से उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो तो अभी मैं दूसरे साइड आ चुकी हूँ जहाँ पे बादल फटा, तो सामने देख सकते हैं दूसरे साइड यहाँ बादल फटा था, तो एक इस साइड और एक उस साइड गांव के दूसरे साइड बादल फटा, और ये देख सकते हैं ऊपर ऊपर साइड से पूरी जमीन ना दरार पड़ गई है, पूरा खिसक रहा है। ये वाला हिस्सा हमारे मोहल्ले का, इस मोहल्ले में हम रहते थे तो इसी मोहल्ले, और सामने देख सकते हैं पूरी चट्टान खिसकने पे लगी हुई है और जगह जगह ना लैंडस्लाइड होने पे लगी है गाँव के, और सामने देख सकते हैं वहाँ पे भी बादल फटने का कितना असर हुआ है सामने वाले हिस्से में। गांव के खेत खलियान पूरे ढह चुके हैं, सारे खेत मलबे में दफन हो चुके हैं, और नीचे देख सकते हैं नीचे नीचे साइड भी सारे पेड़ नीचे गिर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं पूरी दरारें पड़ी हुई है रास्ते में, जगह जगह रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। और ये दादी और के खेत हैं, और सामने ही दादी और का घर है, पूरा टूट चुका है, ये देख सकते हैं कहीं भी रास्ते नहीं रह गए हैं। और ये पूरी आलू की खेती की गई थी यहाँ पे, आलू की खेती का भी पूरा नुकसान हो चुका है, और ऊपर की जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं पत्थर सारे खिसकने पे लगे हैं, और यहाँ पे ना इतना खतरा है ना, खतरे से खाली नहीं हो रखा है ये स्थान, ये देख सकते हैं पूरे यहाँ पे पेड़ सारे ढह चुके हैं नीचे, और जो सामने वाली गौशालाएं हैं सब खाली करवा दी गई है प्रशासन के द्वारा, और नीचे भी काफ़ी खतरा है, नीचे वाली जो घर गौशालाएं हैं उनको भी काफ़ी खतरा है, और प्रशासन के द्वारा उन्हें भी खाली करने के लिए कहा गया है। तो जिनकी गाय भैंसें मवेशियां जंगल में रहते हैं तो वो आजकल दूसरे साइड से जा रहे हैं जंगल की ओर, ये देख सकते हैं पूरा गांव बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है, और ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा तो यहाँ दादी औरों को हो रखा है, उनके घर बिल्कुल टूटने की कगार पे हैं, घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको घर का नज़ारा भी, कैसे कैसे हो रखे हैं यहाँ पे लोगों के घर। तो यहाँ पे जो दादी औरों का घर है, दादी औरों का घर भी क्षतिग्रस्त हो रखा है बादल फटने की वजह से, सामने देख सकते हैं घर में काफ़ी दरारें पड़ी हुई है इस वाले हिस्से में, खाली इस वाले हिस्से में, सामने वाला हिस्सा तो सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं भी माना जाता है क्योंकि दूसरे साइड भी लैंडस्लाइड होने पर लगी है, पूरा खिसकने पर लगा है ये वाला मोहल्ला, और इन्होंने इस साइड का घर खाली कर रखा है अभी, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सामने एक गौशाला और है, इस गौशाला को भी खाली करा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी खतरा बना हुआ है, ऊपर से देख सकते हैं काफ़ी मलबा नीचे की तरफ खिसकने पर लगा हुआ है, और जो ये गौशाला है इनमें गाय भैंस सब बाहर निकलवा दिए गए हैं, ये देख सकते हैं कितना सारा नुकसान हो रखा है चारों तरफ गांव के। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ भी देखते हैं कितना कितना नुकसान हो रखा है, और यहाँ पे ना बिल्कुल रास्ता नहीं है, इतना डर लग रहा है ना चलने में भी, कुछ भी नहीं है यार रास्ता कुछ सब कुछ टूट चुका है, और पत्थर गिरने का डर है यहाँ ऊपर से। और जो ये गदेरा है, इस गदेरे में इतना ज़्यादा मलबा आ रखा है ना, और पूरा देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो रखा है, और सामने वाली गौशालाएं भी खतरे की कगार पे हैं, सामने दिख रही हैं, ये देख सकते हैं पूरे नीचे साइड की गौशालाएं भी देख सकते हैं कितना नुकसान हो रखा है चारों तरफ गांव के, और इस साइड भी लोगों के खेत खलिहान हैं तो लोगों ने पूरे खाली कर दिए हैं आजकल गौशालाएं, गाय भैंसों को अपने डांडा छानी और अन्य लोगों की गौशाला में ले गए हैं जिनके सुरक्षित स्थान पे हैं गौशालाएं। कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं,
पानी के साथ फेरे जाते हैं यहाँ पे। तो ये गौशाला है ना बिल्कुल गदेरे के मुंह पे ही है, तो ये भी खाली हो रखी है, ये ऊपर वाली भी, और इस साइड का तो पूरा हिस्सा ही टूट गया है गौशाला के पीछे वाले साइड का। तो चलते हैं हम नीचे की तरफ भी देखते हैं, और सामने का एकमात्र पुल बचा हुआ है लोगों के आने जाने के लिए, यही पुल, इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। ये देख सकते हैं ये सारी गौशाला है इस साइड, और भाभी जी भी आ गई है घास लेके। इस साइड लोगों के काफ़ी सारे मकान हैं, और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा नीचे को धस रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे गांव में इसी वाली जगह पे हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक डार्ट पुल भी था, और यहाँ पे दो गौशालाएँ थी, और एक गौशाला उनमें से बुरी तरह से टूट चुकी है, और इस गौशाला में दो बैल एक बकरी जिनका आकस्मिक मृत्यु भी हो गई थी और मिले भी नहीं, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। सामने वाले घर को भी काफ़ी खतरा बना हुआ है, और यहाँ पे एक पुल था तो पुल भी पूरी तरह से टूट चुका है, कुछ भी नहीं रह गया है। इस वाले हिस्से को भी खतरा ही बना हुआ है गांव के, और गांव के लोग इतने भावुक हो रखे हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऊपर देख सकते हैं ऊपर वाले घर में भी खतरा ही बना हुआ है, ये देख सकते हैं जगह जगह पे जो घर के पोस्ते हैं वो भी नीचे गिर चुके हैं जगह जगह पे। तो ये वाला मोहल्ला काफ़ी डेंजरस एरिया में है हमारे गांव का, और सबसे ज़्यादा खतरा इसी एरिया को है। और नीचे साइड चलते हैं, हम नीचे साइड भी देख लेते हैं क्या क्या नुकसान हो रखा है। तो यहाँ पे दोनों नाले मिलते हैं, तो ये दोनों नाले जो उफान होते हैं यहाँ पे, गांव वालों ने पत्थर नुमा रास्ता बना रखा है, आजकल ही बनाया है ये रास्ता, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं लोगों के घर, और सामने देख सकते हैं सामने का घर भी बिल्कुल खतरे के निशान पर ही है। ये देख सकते हैं सामने वाले घर इसी साल नए बने हैं, ये लोग इतने भावुक हो रखे हैं कि हमारे इतनी मेहनत से घर बनाया और इस आसमानी आफत ने सबका नुकसान कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं गांव में आ चुकी हूं, तो गांव के लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा उनको किस प्रकार की मदद का आश्वासन दिया गया है। तो दादाजी यहाँ पे सबसे बुजुर्ग आदमी है, तो दादाजी से ही बात करके देखते हैं कि क्या कहा है शासन प्रशासन ने। तो दादाजी बताएंगे आपको 22 तारीख की शाम कैसा हुआ गांव में, किस प्रकार से हुआ। 22 तारीख को शाम वक्त 12 बजे बर्फ तो लगी थी, हम सो गए, हम सो ही नहीं थे, हम जो है नाती मेरा है, नातिनी मेरी है, बहू मेरी है, बुल्ली मेरी है, एक लड़के नीचे सो रखा था, और जब 12 बजे जब बारिश आई कोई पत्र नजर के ऊपर से पानी डाल रहे होंगे, अनाधुन पानी को आसमान से टप रहा था, और जब नदी आई जब नाले आई तो मतलब ये आ रहा था कि बोले पूरी की पूरी पृथ्वी पलट गई, पृथ्वी पलट गई। तो ऐसे तूफान आया, जब बैल पांच गौशाला गिरा तो गौशाला सीमत स्यों बैल सीमत ऊपर ऊपर ही चले गए। तो दादाजी का कहना है कि आसमानी आफत इतनी आई, इतनी तेज बारिश हुई कि पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, और गौशाला ही क्षतिग्रस्त हो गई, बैल बह गए, पता ही नहीं चला कहाँ उनका लापता हो गया, और इतना भारी मात्रा में गांव में नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूटने की कगार पे हैं, लोगों की गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, नामो निशान तक नहीं रह गया है गाँव में, और गाँव के लोग इतने भावुक हैं और बिल्कुल डर के माहौल में जी रहे हैं आजकल, और जैसे ही बारिश आती है तो गाँव के लोगों में डर छा जाता है। तो दादाजी यही सब बता रहे थे अभी मुझे, और अभी और लोगों से भी बात करके देखते हैं गांव के। तो यहाँ सामने वाला घर को भी देख सकते हैं, वो घर भी बिल्कुल खतरे में है, सब खतरे में है, पूरा गांव मतलब जो हमारा इस साइड का मोहल्ला है पूरा मोहल्ला खतरे में ही है। चारों तरफ प्रशासन से क्या मदद मिलने की वो हुई आपको दादाजी? आपको हमें मदद चाहिए कि गवर्नमेंट इतना पैसा कहाँ से देगी, आजकल हो रहे हैं भूस्खलन, हो रहे हैं,
अगर गवर्नमेंट हमको कहीं भी जगह सेट कर दे पूरे गांव के लिए एक ऐसी जगह दे दे जैसे हम अपने अपना भोर भी तरह वहाँ पर लेके वहाँ पर गुजारा करने, हमको ऐसी जगह दे दे गवर्नमेंट। बाकी हम गवर्नमेंट इतने जनता को कहाँ से देगी, हर जगह भूस्खलन हो रहे हैं, हमें गवर्नमेंट इतने पैसे आएंगे कहाँ से, पर हमको गाँव वालों को जगह दे दे। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमको कहीं पर जगह दे दे बसाने के लिए। तो दादी जी का कहना है कहीं हमें सुरक्षित जगह पे सरकार भेजे और हमारे जो इस वाले मोहल्ले को सुरक्षित कर दे, क्योंकि गांव का जो दूसरा मोहल्ला है वो थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन इस साइड का मोहल्ला है जो वो बिल्कुल खतरे के निशान पे है। पूरा लैंडस्लाइड होने पर लगी है, नीचे से ही जमीन खिसकने पर लगी है और काफ़ी सारे दरारें भी पड़ी हुई है जगह जगह पर। तो जैसे ही बारिश का पानी उनमें जाता है तो खतरा ही बना है गाँव में। तो चलते हैं आप दूसरे लोगों से भी बात करके देखते हैं क्या कहना है लोगों का। तो धन्यवाद दादाजी आपका, ठीक है ठीक है, इच्छा नहीं को नहीं देते ने, हां सब बता दिया ना, कृपा ऐसी है, हां आ जाना ऐसी दादी नमस्ते, ठीक है हां ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे दादी जी भी हैं, तो दादी जी से भी थोड़ा बात करके देखते हैं। तो दादी जी भी बताएंगे कि क्या हुआ था उसे। हमारा नाती पोते पे हम तो खतरे हैं, मैं बॉस लेवी के भी खतरे हैं, बच्चों के लिए दोनों आदमी के लिए बहू के लिए हमारे मकान पर खतरा आ। सही तो की बोल सरकार की बोल का नीचे तुम तो मदद दियो क्या पता है, कुछ नहीं बोल कुछ नहीं बोल कुछ इसका जवाब दो, कुछ एक्शन नहीं ले हो ना, ना। तो दादी जी का कहना है कि अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कुछ भी मदद का हुआ नहीं है हमारे गांव में, और जैसे कि खतरा बना ही हुआ है, लोग डर रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो सरकार को कुछ ना कुछ हमारे गांव के लिए ज़रूर करना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे, हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहें और किसी को कुछ ना हो। घड़ियाल देवता की आशीर्वाद से हमारे गाँव के सभी लोग सुरक्षित हैं। थोड़ा लोग मतलब जो गाँव के गाय भैंस मवेशी थे उन्हीं को नुकसान पहुँचा है और लोगों की गौशालों को भी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने अपने गांव की आधी घटना के बारे में आपको दिखाया है, और अगर मैं पूरा ब्लॉग एक साथ डालती तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, कम से कम हो रहा है ब्लॉग एक घंटे का हो रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करूँगी। तो आज मेरा जो कल ब्लॉग आएगा उसमें फर्स्ट पार्ट आएगा और उसके बाद सेकेंड पार्ट मेरा दूसरे ब्लॉग में आएगा, तो आप सभी देखिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करें, और साथ में जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो हमारा रौली गांव है इसके सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए और सरकार से हमारे गांव को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिले, हमारे गांव को किसी और जगह पे व्यवस्थापित करने के लिए सरकार का सहयोग मिले, यही सब चाहते हैं गाँव के लोग भी। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।